गाइस, आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और हम आज इस वीडियो में आप लोगों के लिए लेकर आए हैं YouTube हमारे चैनल्स को मोनेटाइज कब करता है और कितने हजार वॉच टाइम पे करता है, कितने सब्सक्राइब होने पर करता है। तो इस सब की संपूर्ण जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। हाँ तो गाइड्स, हम आपको बताने वाले हैं कि YouTube हमारे वीडियो को या हमारे चैनल को मोनेटाइज कब करता है। तो YouTube का एक फंडा है कि 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर जब पूरे होते हैं चैनल पर, तभी चैनल को मोनेटाइज किया जाता है। सो गाइड्स, इसके लिए YouTube ने एक सीमा रखी है, वो है 1 वर्ष यानी कि 12 महीने। यदि आपने अपने चैनल को 12 महीने के अंदर मोनेटाइज नहीं करा पाते हैं या YouTube आपके चैनल को 12 महीने के अंदर मोनेटाइज नहीं, हमारा चैनल 12 महीने के अंदर या 12 महीना पूरा होते होते मोनेटाइज हो जाना चाहिए। अन्यथा अगर 12 महीने के बाद अगला महीना चालू हो जाता है यानी कि 13वां महीना जब लागू हो जाएगा तो हमारा चैनल मोनेटाइज होगा या नहीं होगा। सो गाइस, YouTube का अपना एक फंडा है कि वह 365 दिन में चैनल को मोनेटाइज करता है। यदि आपने 12 महीने में अपना चैनल मोनेटाइज नहीं कर पाए हैं तो क्या होगा कि अगले महीने में यानी कि 12 महीने के बाद या 365 दिन के बाद जब हमारा समय चालू होता है तो शुरुआत के दिन जितने हमारे चैनल पे व्यूज आए हैं, जितना वॉच टाइम है, उतना बैक में शुरुआत का जो है वॉच टाइम यूट्यूब काट लेता है और वह पीछे से 365 दिन का वॉच टाइम जोड़ के चैनल को मोनेटाइज करता है। यानी कि कह लीजिए कि 12 महीने में यदि आप वॉच टाइम पूरा नहीं कर पाते हैं तो 13वें महीने में यदि आपका वॉच टाइम पूरा होता है 4000 घंटा और 1000 सब्सक्राइबर, तो 13 महीना हो जाने पर 1 महीना शुरुआत का काट लिया जाएगा। शुरुआत में 1 महीने में जितने वॉच टाइम हुआ है, जितना वीडियो हमारे चले हैं, जितने घंटे, उतना घंटा काट के अगले वाले महीने का 13वें महीने का वॉच टाइम जोड़ के तब जो 4000 घंटा पूरा होता है तो चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा, अन्यथा चैनल को मोनेटाइज नहीं किया जाएगा। बहुत यूट्यूबर सोचते हैं कि यदि हम अपने वीडियो को या अपने चैनल को 12 महीने में मोनेटाइज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या होगा। तो यूट्यूब का अपना एक फंडा है कि 365 दिन में वह चैनल को मोनेटाइज करता है और 365 दिन चाहे वो शुरू से लेकर के जोड़े जाए, चाहे यदि 365 दिन से ज़्यादा समय लगता है वॉच टाइम पूरा होने में तो पीछे से जोड़ेगा, यानी 13, 14, 15 महीने जितने महीने लग जाए, 1 साल 2 साल, तो पीछे से 365 दिन यानी कि पीछे से 12 महीना जोड़ के जितना वॉच टाइम होगा 4000 घंटा पूरा करेगा जब जितने समय में, तो चैनल को मोनेटाइज किया जाएगा और शुरुआत के जितने वॉच टाइम हमारे होते हैं, जितना घंटा हमारा बनता है, वो काट लिया जाएगा। तो गाइस, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करें और वीडियो पे कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।